हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं शिशिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में, और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सीटेट की जो हिंदी पेडागॉजी की क्लासेस हैं, वो चाहे CDP हो, वो चाहे EVS हो, वो चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ पेडागॉजी हो, सबकी क्लासेस आपको रेगुलर मिल रही हैं। और हिंदी का जो ये क्लास है, ये आज का पेडागॉजी सबसे पहले हम 15 नंबर की जो आती है उसको हम कवर कर रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक चीज़ बता दूं, अगर जो भी पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाके आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जब जाएंगे तो सीटेट जुलाई अगस्त दिया है, उसमें सभी क्लासेस रेगुलरली अपलोड हो रही हैं। ठीक है, अभी सब कंबाइंड सब्जेक्ट एक ही में मिल जाएगा, बाकी आगे चल के मैं सब अलग अलग कर दूँगा, हिंदी की अलग, मैथ की अलग, इंग्लिश की अलग। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बहुभाषिक कक्षा, जहाँ से मल्टीलिंगुअलिज्म, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार एक क्वेश्चन फिक्स है आपको मिलना। इस बार भी एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुभाषिक कक्षा होती क्या है? अगर आपके दिमाग में यह आ रहा होगा तो एक ही कक्षा में यदि विभिन्न भाषाओं की रंगतें होगी तो बच्चा और भी उन्हें अच्छा से सीखेगा। बिल्कुल, अगर एक कक्षा में विभिन्न भाषाओं की रंगतें, रंगतें का मतलब अनेक भाषाएँ बोलने वाले, अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार के जाति के, अनेक प्रकार के बोलने वाले लोग अगर एक ही कक्षा में रहेंगे तो जो बच्चे के भाषा का विकास है वो और अच्छे से होगा, ये कहने का मतलब है। आगे चलते हैं। बच्चे के सीखने में बहुभाषिक कक्षाएं, जिसको मल्टीलिंगुअल क्लासरूम कहते हैं, एक संसाधन का काम करती है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो बहुभाषिक कक्षा है एक प्रकार का क्या है, तो एक संसाधन है, एक बाधा डालती है, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो जो बहुभाषिक कक्षाएं हैं ये एक प्रकार से रिसोर्सेज है हमारे, ठीक है, क्या है, संसाधन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन एक पूछा था, बहुत छोटा सा टॉपिक, एक एक टॉपिक करके हम लिख चलेंगे, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और हमारे संज्ञानात्मक कौशलों को समृद्ध करती है। बिल्कुल, जो बहुभाषिकता होती है हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को पॉजिटिविटी रूप से इफेक्ट करती है और हमारा जो कॉग्निटिव स्किल्स है उसको क्या करती है, उसको ग्रोथ करती है, उसको और डेवलप करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, द्विभाषावाद का यह परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति विकसित दृष्टिकोणों में से सर्वथा भिन्न है। तो ये तो बात की चीज़ें हैं। अब शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता था, तो आइए इसको देखते थे। तो जो शुरुआती दौर था उसमें दूसरी भाषा को एक प्रेरणात्मक घटक के रूप में, ठीक है, एक मोटिवेशनल कंपोनेंट के रूप में जाना जाता था। वहीं दूसरा है, एक हस्तक्षेप और बाधा के रूप में जाना जाता था। पुराने समय में क्या होता था, जो दूसरा लैंग्वेज, इसको आप बहुभाषिकता कह सकते हैं, ये पहले बाधा माना जाता था, ठीक, एक प्रेरणात्मक घटक मतलब मोटिवेशन के कंपोनेंट के रूप में माना जाता था, एक खुशनुमा संयोग के रूप में जाना जाता था और जीवन में असफलता के एक कारक के रूप में जाना जाता था। ठीक है, पहले। अब देखिए, यहाँ से आपको क्या है कि यहाँ से बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी चीज़ें लिखी गई हैं। देखिए, यहाँ इस बार से जो ऑनलाइन पेपर में कुछ इतने लंबे लंबे प्रश्न आए, आपको घबराना नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट को पकड़े रखना है। जैसे यहाँ आज के समाज में बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में मानते हैं, अच्छा मानते हैं, लेकिन पहले क्या था कि बाधा माना जाता था। ठीक है, अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, बहुभाषिकता का सीधा सा मतलब यही है, आपको दिमाग कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर ले जाओगे कि एक कक्षा में बहुत अनेक भाषाएं बोलने वाले बच्चे हों, ठीक है, तो ऐसे वातावरण में जो बच्चा है उसके भाषा का विकास है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। ठीक, और जो बहुभाषिकता होती है एक संसाधन के रूप में, न कि बाधा के रूप में। तो क्वेश्चन है, बहुभाषिकता कक्षा में बच्चों की भाषाएं कैसी होती हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, बिल्कुल नहीं। आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, संसाधन के रूप में कार्य करती है। अब आगे चलते हैं। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को क्या करना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए। दूसरा है, अस्वीकार कर किया जाना चाहिए। और तीसरा है, स्वीकार किया जाना चाहिए। और चौथा है, अधिक महत्व तो नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, बिल्कुल। जो बहुभाषिक कक्षा होता है, मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम होता है, इसमें किसको क्या है, मातृभाषा को स्वीकार करना चाहिए। आगे चलते हैं। 2016 का ये क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा से क्या तात्पर्य है। ठीक है, जो बहुभाषिक क्लास है उससे क्या तात्पर्य है। जिस कक्षा में कम से कम दो भाषाओं के में पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हो। दूसरा है, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली सबको सम्मान दिया जाए। ठीक है, और तीसरा है,
जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्ययन किया जाता है, और चौथा है जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका दो या दो से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हों। तो बिल्कुल नहीं भाई, देखिए मैंने बताया है आपको कि अगर जब बच्चा मातृभाषा में बोल रहा है, सेकेंड लैंग्वेज उसकी जो है, तो जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली के सम्मान दिया जाए उसको क्या कहेंगे हम, बहुभाषी कक्षा कहेंगे। ठीक है, मैंने कहा कि उसमें बहुत जो अपने घर के मतलब कई सारे बच्चे रहते हैं, कई प्रकार की भाषा बोलते हैं, तो वो अपने घर की भाषा बोलता है। ऐसा नहीं कुछ कोई बच्चा अपने देहाती लैंग्वेज बोल रहा है तो उसको डांटेंगे मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं। उसके सभी के लैंग्वेज का सम्मान होना चाहिए इक्वल। आगे चलते हैं बहुभाषी कक्षा। ठीक, बहुभाषिकता पढ़ा था हम लोगों ने, बहुभाषिक कक्षा देख लेते हैं। एक ऐसी कक्षा जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार की बोली जाने वाली भाषा के छात्रों की उपलब्धता हो और साथ में उन्हें अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता हो। ठीक है, तो एक ऐसी कक्षा जिसमें दो से अधिक प्रकार की बोली जाने वाली भाषा के छात्रों की उपलब्धता हो और साथ में उन्हें अपनी अपनी भाषा में बोलने के लिए अवसर भी उपलब्ध हो। सीधा सा मतलब ये है कि एक बहुभाषिक कक्षा वो कक्षा होती है जिसमें एक दो या दो से अधिक प्रकार की बोली या भाषा बोली जाती है और या छात्रों की उपलब्धता हो, मतलब अवेलेबल हो, और साथ में सभी बच्चों को अपनी अपनी मातृभाषा में बोलने की अवसर दिए जाएं या उनको जो भाषा है उनकी मातृभाषा है उसका सम्मान किया जाए, तो ऐसी कक्षा को हम कहते हैं बहुभाषिक कक्षा। ठीक है भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है भाई, यहाँ से हर बार आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक न एक, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। भाषा शिक्षण को संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है, पहला आर्थिक, दूसरा है सांस्कृतिक, तीसरा है नैतिक, चौथा है बहुभाषी। तो इसका राइट आंसर है बहुभाषी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? पहला है हिंदी भाषा को विविध रूप में देने वाली रचनाएं, दूसरा है बहुप्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, तीसरा है नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, और चौथा है बहुतायात में दिए गए अभ्यासकार। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, हिंदी भाषा को विविध रूप में देने वाली रचनाएं को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव देख लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है। तो बच्चे जो हैं अपने घर की बोलचाल की भाषा को लेकर, अनुभव को लेकर विद्यालय आते हैं, तो इसका क्या मतलब है? बच्चे के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए? बिल्कुल नहीं। बच्चे को बोलचाल की भाषा व सिखाई जाए? बिल्कुल नहीं। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए? बिल्कुल नहीं। बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग हो कक्षा में। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, अब आगे चलते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा सीखने की एकमात्र संस्थान है। दूसरा है अभ्यास परख भी होनी चाहिए, प्रैक्टिस वाला होना चाहिए, नहीं रिसोर्स के रूप में। बिल्कुल, भाषा की जो पाठ्य की पुस्तकें हैं वो कैसे एक साधन के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती हैं? त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं? बिल्कुल नहीं। बड़ों की पढ़ने की वस्तु हैं? ऐसा नहीं है भाई। साधक, एक रिसोर्स के रूप में है, ना कि बाधक के रूप में है। ठीक है, तो ये रिसोर्स के रूप में है, इसका राइट आंसर तीसरा सही हो जाएगा। आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, और आप पेपर देने जाएंगे तो आपको खुद आइडिया लगेगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते वक्त सबसे क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं? पहला है भाषा की विभिन्न छटाएँ या रंगतें कह सकते हैं, जिसको अभ्यासियों में वैविध्य, बहुत सारे अभ्यास देने होते हैं, पाठों की संख्या अधिक हो, ऐसा नहीं विषय वस्तु में वैविध्य हो, ऐसा कुछ नहीं। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, भाषा की विभिन्न छटाएँ या रंगतें होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय। आगे चलते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? पहला है भाषा का विविध गद्य सहित, दूसरा है प्रसिद्ध लेखक, तीसरा है प्रसिद्ध रचनाएं, और चौथा है भाषा के विभिन्न रंगते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा की विभिन्न रंगते। देख रहे हैं एक ही बार कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आपको आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा बहुभाषिकता क्या होती है। ठीक, बहुभाषिकता क्या होती है, वहीं बहुभाषिक कक्षा क्या होती है। ठीक है, बहुभाषिक कक्षा, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक से दो क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में भी आया होगा कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाने की कोशिश की। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक में 15-20 टॉपिक कराऊंगा जहाँ से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। अगर आप समझते हो चीज़ों को, पेडागॉजी पूरा आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, आप जितना अच्छे से समझोगे उतने अच्छे से कर ले जाओगे। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आप तक पहले पहुँचे।